कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर मुंबई में कई नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई, जिसमें सबसे प्रमुख रही दुकान उत्तर मुंबई जिला के कार्यकारी अध्यक्ष राजपत यादव की, जहां पर राजपत यादव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय के बाहर लिखा जाएगा मोहब्बत की दुकान, यानी कि मोहब्बत की दुकान खोलकर अब सभी लोगों को यहां से हर समस्या का समाधान दिया जाएगा, चाहे वो पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो या अन्य समस्याएँ हो। आप जब भी कांग्रेस के इस जनसंपर्क कार्यालय में जाएंगे तो आपको बोर्ड के बाहर दिखेगी मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर यह बड़ा ऐलान जो है राजपत यादव ने किया है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से लगातार संघर्ष कर रही थी, इस दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ी पदयात्रा करते हुए ये बता दिया कि संघर्ष से जीवन में जरूर सफलता मिलती है, जिसका परिणाम कर्नाटक का चुनाव देखा गया। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर बच्चों को मिठाइयाँ, पेंसिल और चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है कांग्रेस नेता व पूर्व नगर सेवक राजपत यादव और अजंता यादव के। देखिए ये खास तस्वीरें क्या कुछ कहती है। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राजपत जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार मोहब्बत की दुकान खुल रही है और देखा जा रहा है कि हर मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत बांटी जा रही है, क्या संदेश? ऐसा है, इस देश में आजाद भारत के बाद अगर कोई पदयात्रा किया होगा तो राहुल गांधी इतनी बड़ी पदयात्रा की है। और जब उन्होंने कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू की और कश्मीर तक पहुंचाए, उनका एक ही संदेश था कि भाईचारा बढ़े, प्यार मोहब्बत बढ़े। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाना बंद करें। और उसी संदेशा को देने के लिए, उसी संदेशा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी पदयात्रा की और हर जगह मोहब्बत की दुकान खोला जाए, मोहब्बत का संदेशा दिया जाए, उनका एक विचारधारा थी। और उस विचारधारा को इस मुंबई शहर की प्रथम महिला अध्यक्षा जो कांग्रेस पार्टी में बनी है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनाया महिला अध्यक्ष को, और आज आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है, और इस राहुल गांधी की विचारधारा की देन थी कि महिला अध्यक्ष बनी। और उनका विचार था कि हर मुंबई शहर के हर वार्ड में मोहब्बत की दुकान खोली जाए, और पूरे मुंबई शहर में मोहब्बत की दुकान जगह जगह खुली है, और वार्ड ना उत्तर मुंबई जिला में कल 25 से 28 जगह मोहब्बत की दुकान इसी तरीके से लगाए। और मैं बताना चाहता हूँ, जन्मदिन पे ही नहीं, ये जो बोर्ड है हमारे चेंज होंगे, इस बोर्ड पे हमेशा परमानेंट जनसंपर्क कार्यालय की जगह मोहब्बत की दुकान का स्टिकर लगा रहेगा, और यहाँ से लोगों की सेवा, समस्या जो भी रहेगी उस समस्या का समाधान। लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर किसी ने की तो कांग्रेस, और कांग्रेस लोगों ने अब कर्नाटक का रिजल्ट देखे हैं, आज वापस लौट के सब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इनको पता, लोगों को पता चल गया, अगर कोई विकास की बात कर सकता है, शिक्षा की कोई बात कर सकता है, अनाज की कोई बात कर सकता है, किसान की कोई बात कर सकता है, मजदूर की कोई बात कर सकता है, तो सिर्फ एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने देशवासियों के साथ एक बहुत ही शानदार और जो कहेंगे ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा लोगों का संपर्क उनके साथ हुआ, गरीब उनके साथ रोए, गरीब उनके कंधों पे अपनी तकलीफें सुनाए, देश भर के लोगों ने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने परिश्रम करके कन्याकुमारी से कश्मीर का जो समय, जो पद यात्रा थी, उसको देख के ही रोंगटे उठ खुल जाते हैं कि किस तरह राहुल गांधी ने परिश्रम करके अपना पूरा 6 महीना 4000 किलोमीटर का इस पूरा यात्रा में उन्होंने अपना समय दिया। लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने जा रहे हैं, और आज ये सच होता हुआ दिख रहा है। आज हर इंसान अपने यहाँ, हमारे खासकर पूरे मुंबई में आदरणीय हमारी नेता जो अब मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है वर्षा ताई गायकवाड़, उनके नेतृत्व में आज पूरे मुंबई में
हर एक गली में, हर एक चाल में, हर एक जगह में, हर एक वार्ड में मोहब्बत की दुकान इस तरीके से खुली है कि सेवा में हमेशा जुटे रहते थे, लेकिन इस बार ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ राहुल गांधी के बर्थडे के दिन के लिए नहीं, ये हमेशा हर विभाग में इस तरीके से खुली रहेगी ताकि हम गरीब लोगों के साथ संपर्क करें, हम गरीब लोगों की समस्याओं को समझें, उनका उनको आगे बढ़ाएं, खासकर महिलाएं। मुझे गर्व होता है ये बात कहते हुए कि हमारे राहुल गांधी जी ने आज 137 साल के बाद पहली महिला अध्यक्ष मुंबई कांग्रेस को दी है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। दुनिया देख रही है, महिलाएं देख रही हैं, महिलाओं का जो बजट बिगड़ा है, जो गैस सिलेंडर का भाव यूपीए की चेयरमैन हमारी सोनिया गांधी जी के समय 350 पे था, 90 रुपए का सब्सिडी मिलता था, आज महिलाएं ये बता रही हैं कि 1200 रुपए कीमत हो चुकी है। तो ये जो अत्याचार भाजपा सरकार हम सब पर कर रही है, ये अब और सहन नहीं करेगी इस दुनिया में। हम कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ेंगे, राहुल गांधी जी को आगे बढ़ेंगे।